हे गाइस, दिस इज योर ब्रदर ऋतिक मेघवानी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिट्स हैदराबाद के बारे में। आप में से हर काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि भैया बिट्स पिलानी हो गया, बिट्स गोवा हो गया, इन पे तो आपने वीडियो बना दिए, बिट्स हैदराबाद पे वीडियो कब ला रहे हो? तो यार आज हम लोग इसकी ए टू जेड बातें कवर करेंगे। इसके प्लेसमेंट, फीस स्ट्रक्चर, कितनी कट ऑफ जाती है, सारी बातें, जो जो बातें आपको पता होना जरूरी है यार, वही बातें इस वीडियो में होने वाली हैं। तो मेक श्योर यार आप वीडियो को लास्ट तक देखें। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं, हम लोग काफ़ी सारे कॉलेज रिव्यूज़ कवर करते हैं, ऑलरेडी हम काफ़ी सारे कवर कर चुके हैं एंड फ्यूचर में आपको काफी सारे देखने को मिलेंगे। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब गाइस जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं बिट्स हैदराबाद का। तो ये 2008 में एक कॉलेज बना था। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो हैदराबाद में आपको ये कॉलेज देखने को मिल जाता है। इंस्टीट्यूट टाइप प्राइवेट कॉलेज है। अगर मैं इसके कैंपस एरिया की बात करूं बिट्स हैदराबाद के, तो 200 एकर में इसको बनाया गया है। काफ़ी सही इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमको देखने को मिल जाता है। अगर हम बिट्स के टोटल कैंपसेस की बात करें तो इसके टोटल 4 कैंपस हैं, पिलानी, गोवा, हैदराबाद एंड दुबई। हम लोग ऑलरेडी बिट्स पिलानी एंड बिट्स गोवा के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, आप लोग आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज हम लोग मेनली बिट्स हैदराबाद को कवर करने वाले हैं। इसकी रैंकिंग के बारे में बात करें तो यार बिट्स हैदराबाद को अलग से कोई रैंकिंग नहीं दी जाती है। बिट्स के जितने भी कैंपसेस हैं सबको मिला के उसको रैंक किया जाता है। तो जो बिट्स पिलानी की रैंकिंग है वही आप यहाँ पे मान सकते हैं। यहाँ पे जैसे बिट्स पिलानी की NRF ओवरऑल 27 इसको 2020 में दी गई है। इंजीनियरिंग की बात करें तो 30 इसको NRF दी गई है। अब गाइस बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। तो 58 किलोमीटर दूर आपको राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि हैदराबाद में है। अगर मैं इसके एक रेलवे स्टेशन की बात करूं तो 24 किलोमीटर दूर आपको कैंपस से एक रेलवे स्टेशन भी देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गाइस बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसकी जो ट्यूशन फीस है वो 4.76 लाख के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। हॉस्टल फीस 19,000 पर सेमेस्टर, मेस फीस 10,000 पर सेमेस्टर। अगर मैं टोटल एक साल के खर्चे की बात करूं तो करीबन 5.27 लाख आपका एक साल का यहाँ पे खर्चा हो जाता है। यहाँ पे गाइस बिट्स के जितने भी कैंपसेस हैं सब में आपको फीस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। लेकिन जब हम लोग बच्चों से बात करते हैं तो वो यार बोलते हैं कि जितनी भी फीस बिट्स लेता है वो सारी वसूल है, क्योंकि यार वो ऐसी फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे गाइस जो ये फीस है ये हर साल 10 से 15% भी इंक्रीज़ होती जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब गाइस बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो यहाँ पे बिट्स में आपको काफ़ी तरीके की स्कॉलरशिप मिल जाती है, जैसे मेरिट स्कॉलरशिप, मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप, बिट्सा स्कॉलरशिप। तो ये स्कॉलरशिप आपके काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है, जैसे आपकी यहाँ पे पेरेंट इनकम भी देखी जाती है, स्कोर भी देखा जाता है, मतलब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कितना CGPA स्कोर किया है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप कंटिन्यू होती है। यहाँ पे हर साल टोटल 30% स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि 15 से 100% के बीच में लगभग वेरी करती है। यहाँ पे गाइस काफ़ी लोगों का डाउट रहता है कि भैया एजुकेशन लोन की क्या फैसिलिटी है। तो यहाँ पे बिट्स के सारे कैंपसेस में आपको एजुकेशन लोन मिल जाता है। यहाँ पे SBI ने टाई अप किया है बिट्स के साथ, मतलब SBI यहाँ पे आपको एजुकेशन लोन काफ़ी इजीली प्रोवाइड कर देती है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग पूछते हैं कि भैया बिट्स में हमें लोन वगैरह लेना चाहिए कि नहीं, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद वाले कैंपस के लिए। तो यार यहाँ पे मैं यही बोलूँगा, अगर आपको टॉप 3 टॉप 4 ब्रांचेस आपको मिलती हैं तो यहाँ पे आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि उसके प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। बिट्स में कंप्यूटर साइंस मिलती है तो यार बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि तीनों ही कैंपस में कंप्यूटर साइंस काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। बाकी और भी जो टॉप 3 टॉप 4 ब्रांचेस हैं उसमें अगर आप एजुकेशन लोन ले लेते हैं तो यार आपको 1-2-3 साल में आपका कवर हो जाता है। डिपेंड करता है वो कंप्यूटर साइंस मिलती है, EC मिलती है, कौन सी मिलती है यहाँ पे ब्रांच। यहाँ पे आपका जो लोन अमाउंट है यहाँ पे आपको 20 लाख तक यहाँ पे लोन मिल सकता है। एक्सपेंसेस आपके जो कवर होते हैं, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, ट्रैवलिंग, बुक्स, लैपटॉप वगैरह अगर आप लेते हैं तो उसका भी यहाँ पे एजुकेशन लोन आपको मिल जाता है। रीपेमेंट पीरियड की बात करें तो 12 ईयर्स तक यहाँ पे आपका रीपेमेंट पीरियड होता है। अब गाइस बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन के बारे में। तो बिट्स के जितने भी कैंपसेस हैं सब में सिर्फ और सिर्फ बिट्स साइट के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। अब गाइस बात करते हैं कोर्सेज ऑफर्ड के बारे में। तो BTech में आपको काफ़ी तरीके की ब्रांचेस देखने को मिल जाती है, जैसे केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, EC, EEE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर आप इंटीग्रेटेड MSc कोर्स करना चाहते हैं 5 ईयर्स वाला तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो बिट्स हैदराबाद की कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए आपको 336 के आसपास स्कोर करना पड़ता है। EC के लिए यहाँ पे आपको 314 के आसपास स्कोर करना पड़ता है। अब गाइस बात करते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। तो यार बिट्स कभी भी अपने प्लेसमेंट्स ऐसे वेबसाइट वगैरह पे प्रॉपर तरीके से अपडेटेड नहीं रखता है, तो यार हमें थोड़े ज़्यादा यहाँ पे रिसर्च करनी पड़ती है। तो मैंने कुछ बच्चों से बात की है, ठीक है, एंड थोड़े से ऑनलाइन रिसोर्सेज से भी पता करके मैंने एस्टिमेट यहाँ पे प्लेसमेंट बताया है। तो अगर आप बिट्स के स्टूडेंट हैं, बिट्स हैदराबाद के, एंड लेटेस्ट यहाँ पे आपके स्टैट्स आ चुके हैं, तो यार प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसे पिन कर दूंगा। बाकी ये भी आप एक्यूरेट मान सकते हैं, ठीक है। नियरली यार 160 प्लस कंपनीज हर साल विजिट करती हैं। हाईएस्ट पैकेज 43 लाख से यहाँ पे गया था। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के एवरेज पैकेज की बात करूँ तो यार 21 से 24 लाख के आसपास ये वेरी करता है।
अब यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूँ कि बिट्स गोवा का भी प्लेसमेंट लगभग 22 से 25 के बीच में वेरी करता है सीएसई में। अगर मैं बिट्स पिलानी की बात करूँ तो उसका भी लगभग हमको 25, 26, 24 के आसपास ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप मान सकते हैं कि तीनों ही कैंपस की कंप्यूटर साइंस काफ़ी अच्छी हैं एंड लगभग यार तीनों ही कैंपस में आपको सेम कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है एवरेज पैकेज। लास्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस के एवरेज पैकेज की बात करें तो 26 लाख तक हमको देखने को मिला था। तो यार ये हर साल काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है। यहाँ पर अगर मैं ईसी के एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 15-17 लाख आप यहाँ पे मान सकते हैं। ट्रिपल ई का जो एवरेज पैकेज है वो 14-15 लाख के आसपास है। यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल एवरेज पैकेज की बात करूँ तो वो 11-13 लाख के बीच में वेरी करता है। यहाँ पर यार एक बात मैं आपको और बता दूं कि यार हर साल इसके प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो जब तक आप पास आउट होंगे, जैसे आप इस साल अगर एडमिशन लेते हैं तो आपके टाइम पे जो ये एवरेज पैकेज है काफ़ी ज़्यादा हो चुके होंगे, तो आप ये भी थोड़ा सा दिमाग में लेके चलना। यहाँ पे अगर मैं इसको एनआईटी ट्रिची के साथ कंपेयर करूँ तो यार एनआईटी ट्रिची का जो कंप्यूटर साइंस का पैकेज होता है एवरेज पैकेज वो 18-22 लाख के बीच में वेरी करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा में भी आपको लगभग सेम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। तो यार ये काफ़ी अच्छी बात है, मतलब आप लोग जो टॉप एनआईटीज हैं उसके साथ यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो यार बिट्स का भी एक अलग ही ब्रांड वैल्यू है, ठीक है। मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार हम लोग बिट्स का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरेंगे, हमको एनआईटी में ही जाना है। तो यार उनको मैं यहाँ पे बता दूं कि सेम प्लेसमेंट लगभग आपको कंप्यूटर साइंस के देखने को मिल जाते हैं एनआईटी ट्रिची एंड आपके बिट्स में। यहाँ पे गाइस अगर मैं बात करूँ बिट्स हैदराबाद की कुछ अच्छी बातें, तो सबसे पहले यार ये सेम करिकुलम फॉलो करता है जो कि बिट्स पिलानी वाले कैंपस में होता है। यहाँ पे बिट्स हैदराबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आपको टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो इसके कंप्यूटर साइंस के प्लेसमेंट्स हैं वो यार इक्विवेलेंट आप बोल सकते हो बिट्स गोवा एंड पिलानी वाले कैंपस के। ज़्यादातर 1-2 लाख का आपको एवरेज पैकेज में डिफरेंस देखने को मिलता है। बाकी तीनों की कंप्यूटर साइंस यार काफ़ी इंप्रेसिव है। यहाँ पे हम लोग बात करें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की तो आपको टॉप नॉच देखने को मिल जाती है। यहाँ पे गाइस आपको बिट्स पिलानी की डिग्री मिलती है। काफ़ी लोगों का डाउट रहता है कि भैया मेरा गोवा या हैदराबाद कैंपस है तो मेरी डिग्री पर क्या लिखा होगा, तो यार डिग्री पर आपका बिट्स पिलानी ही लिखा होता है, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको कोडिंग कल्चर काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको खुद से परेशान नहीं होना पड़ता है, आपको कॉलेज खुद इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ला के देता है। यहाँ पे हम लोग अक्सर देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी टॉप कंपनीज यहाँ पे इंटर्नशिप के बाद पीपीओ वगैरह भी दे देती हैं, तो यार ये भी काफ़ी अच्छी बात मुझे लगती है। यहाँ पे अगर हम टीचर्स की बात करें तो यार काफ़ी वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं एंड काफ़ी हेल्पफुल आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड यार लास्ट बात, यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड स्टूडेंट इनटेक है, मतलब आपको ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं देखने को मिलता है कॉलेज में। तो यार ये काफ़ी अच्छी बात मुझे लगती है क्योंकि यार आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी स्टूडेंट्स यहाँ पे मिलते हैं। अब गाइस बात करते हैं हॉस्टल्स के बारे में, तो आपको फुल्ली रेजिडेंशियल कैंपस देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे लगभग हर स्टूडेंट को यहाँ पे हॉस्टल मिल जाता है। यहाँ पे आपको 6 बॉयज़ हॉस्टल एंड 2 गर्ल्स हॉस्टल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक कॉमन किचन वगैरह भी बनाया गया है आपके हॉस्टल में। यहाँ पे गाइस आपको डबल शेयरिंग रूम मिलता है फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स को। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आप अपना खुद पार्टनर सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको पार्टनर सेलेक्ट करने की भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। थर्ड ईयर के बाद आपको यहाँ पे सिंगल रूम मिल जाता है। यहाँ पे रूम्स की बात करें तो यार काफ़ी ठीक ठाक आपको रूम्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब जितनी भी हॉस्टल फीस आप पे करते हैं आपको ऐसा नहीं लगता कि यार आपने थोड़ा सा ज़्यादा पे कर दिया, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको बिट्स हैदराबाद में मिल जाती है। यहाँ पे आपको हर रूम में टेबल, अलमीरा, बेड, वाइट पोर्ट्स, लैन पोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हर हॉस्टल में आपको एक कॉमन रूम मिल जाता है जो कि यार आपका टेबल टेनिस, LED TV, चेस, कैरम, टेलीफोन्स वगैरह से इक्विप्ड होती हैं, ठीक है। तो मतलब हर कॉलेज में आपको एक कॉमन रूम मिल जाता है। हर हॉस्टल में यार आपको एक सोलर वाटर हीटर सिस्टम भी है, ठीक है, तो आप इसका भी लुप्त आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पे वॉशरूम्स काफ़ी क्लीन होते हैं यार, जो भी क्लीनर्स वगैरह रहते हैं वो डेली बेसिस पे यहाँ पे आते हैं क्लीन करने के लिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी भी आपको हर हॉस्टल में देखने को मिल जाती है, आपको लैन पोर्ट दिया जाता है जिसके थ्रू आप यहाँ पे इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस नाइट कैंटीन्स भी अवेलेबल हैं हॉस्टल में, अगर आपको रात में 1-2 बजे भी भूख लगती है तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ खाने को तो ज़रूर मिल जाता है। अब गाइस बात करते हैं डाइनिंग फैसिलिटीज़ के बारे में, तो यहाँ पे आपको एक बॉयज़ हॉस्टल के पास मेस बनाई गई है, एक गर्ल्स हॉस्टल के पास मेस बनाई गई है। यहाँ पे बताया गया है कि यार कोई भी जेंडर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी मेस में यहाँ पे खाना खा सकते हैं। यहाँ पे आपको वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों तरीके का खाना मिल जाता है। यहाँ पे साउथ एंड नॉर्थ इंडियन डिशेस दोनों बनती हैं। यहाँ पे एक और मुझे जो अच्छी बात लगती है, यहाँ पे एक जिम काउंटर भी रहता है जहाँ पे आपको बॉइल्ड एग्स एंड ऑमलेट एंड चिकन करी वगैरह मिल जाता है। अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं और आपको काब्स वगैरह नहीं खाने तो आप बॉइल्ड एग, चिकन, ऑमलेट वगैरह यहाँ पे खा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी यार काफ़ी तरीके के फूड आउटलेट्स हैं, मतलब खाने पीने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी तरीके के मैगी हॉटस्पॉट हैं, नेस्कैफे, अमूल, काफ़ी सारे हैं, तो मैं खाने पीने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस बात करते हैं कैंपस फैसिलिटीज़ के बारे में, तो यार लैब्स एंड लाइब्रेरी, यार ये बहुत बोरिंग पार्ट है यार, ये लैब्स वगैरह के नाम कौन बताता है, समझ जाओ यार, काफ़ी अच्छे हैं, मतलब ठीक है, प्राइवेट कॉलेज है।
बहुत ज़्यादा फीस है, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा यहाँ पे लैब्स में किया जाता है, ठीक है। लाइब्रेरी आपको यार 45,000 स्क्वायर फीट की आपको फुल्ली एयर कंडीशन लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है। 41,000 प्लस बुक्स हैं, ठीक है। आपको 7,400 के आसपास आपको ई जर्नल्स भी मिल जाते हैं। अब गाइस बात करते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की, तो यार बिट्स हैदराबाद में काफ़ी अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बताई गई है। आउटडोर में बात करें तो फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल कोर्ट्स, थ्रो बॉल जैसी आपको फैसिलिटी मिल जाती है। इंडोर में हम बात करें तो टेबल टेनिस, फुटबॉल, कैरम, चेस, बिलियर्ड्स एंड बैडमिंटन जैसी फैसिलिटीज़ भी आपको इंडोर फैसिलिटीज़ में मिल जाती हैं। यहाँ पे वुडन कोर्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, तो कोर्ट्स वगैरह भी आपको काफ़ी वेल इक्विप्ड देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे गाइस आपको एक जिम भी अवेलेबल हो जाती है, सेपरेट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग जिम है, तो यहाँ पे आप जिम का भी आनंद ले सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं फेस्ट के बारे में जो कि बिट्स हैदराबाद में होते हैं। तो यार एक बात ये समझ लो कि बिट्स के जितने भी फेस्ट होते हैं तीनों ही कैंपस में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मनाए जाते हैं, किसी भी चीज़ की यहाँ पर कमी नहीं होती है, ठीक है। मतलब इनको स्पॉन्सर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। काफ़ी इंडस्ट्री से यहाँ पे लोग आते हैं, जैसे यहाँ पे कोई सिंगर है या फिर कोई कॉमेडियन है तो सारे लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे पर्ल हो गया, एरेना हो गया, इग्नाइट हो गया, एटमोस हो गया, काफ़ी तरीके के फेस्ट हैं एंड सारे फेस्ट यार काफ़ी गजब होते हैं, ठीक है। क्लब्स की बात करें तो यार बहुत सारे क्लब्स हैं, म्यूज़िक, डांस, ड्रामेटिक क्लब, फोटोग्राफिक क्लब और भी काफ़ी तरीके के क्लब्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में, तो यार बिट्स के जितने भी कैंपस हैं सारे बहुत बढ़िया हैं, कंप्यूटर साइंस टॉप नोच है। मतलब NIT ट्रिची के साथ हमने इसको प्लेसमेंट में कंपेयर किया है, मतलब इसका जो कंप्यूटर साइंस है एंड NIT ट्रिची का जो कंप्यूटर साइंस है दोनों में लगभग हमको सेम 19-20 एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं यार कि कितना अच्छा ये कॉलेज होगा। फैसिलिटीज़ यार बिट्स की एक अलग ही मानी जाती है, मतलब काफ़ी ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि ये फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कराते हैं। प्राइवेट का बहुत सारे NITs, IIIs, IITs हैं जो कि ऐसी फैसिलिटीज़ हमको नहीं प्रोवाइड कराते हैं, तभी यार बिट्स का इतना अच्छा नाम है, काफ़ी अच्छा ब्रांड वैल्यू है। तो अगर आपको मिलता है तो यार डेफिनेटली आप इसके बारे में सोच सकते हैं। एजुकेशन लोन की जहाँ तक बात आती है तो यार अगर आपको टॉप 3 टॉप 4 ब्रांचेस मिलती है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। मतलब आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो आपका 2-3 साल में वो रिकवर हो जाता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो हो सकता है 1 साल में आपका एजुकेशन लोन यहाँ पर रिकवर हो जाए, ठीक है। तो गाइस ये आज का वीडियो, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और कौन से कॉलेजेस के बारे में आपको जानना है प्लीज़ कमेंट करके बताओ, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस ये आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे सेफ, पीस आउट।